सो व्हाट्स अप गेमर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आज के इस वीडियो में ना हमारे पास थोड़ा कंटेंट का कमी हो रहा था, बेसिकली पीसी रिलेटेड वाले के लिए, क्योंकि यार इस चैनल के इंट्रो में बोलता हूँ कि यार अगर आप सभी का इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली यार पीसी रिलेटेड कॉन्टेंट तो हम बहुत बनाते हैं, बट गेमिंग कॉन्टेंट जो है थोड़ा थोड़ा मतलब काफी ज्यादा कम बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक गेमिंग कॉन्टेंट के ऊपर वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि द बेस्ट टॉप 5 ट्रिपल ए गेम्स दैट यू कैन प्ले इन 2023, जिससे जो है आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिले, आपको मजा आए। और अगर आपकी 3-4 दिन की छुट्टियां हैं, जैसे भी मेरी है बेसिकली, तो वैसा टाइम जो है आप इन गेम्स को खेल के निकाल सकें, ठीक है। अभी यार अगर आप लोग गेमर हैं, गेमिंग जॉनरा में रेगुलर एक्टिव रहते हैं, तो यार आप सबने ये गेम्स कभी ना कभी खेले होंगे। बट फॉर द न्यू ऑडियंस जो कि सर्च कर रही है यूट्यूब पे कि भाई यार कौन सी गेम्स हम खेल सकते हैं, दे आर न्यू टू द गेमिंग वर्ल्ड, तो उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो होने वाला है। वेल सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यार मेरा नाम जितना नाम है और आप सब देख रहे हैं टेक्नाइंडिया यूट्यूब चैनल, जहां पर हम बात करते हैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग की। अगर आपका इंटरेस्ट हो पीसी रिलेटेड कंटेंट्स एंड गेमिंग में तो मेरे चैनल को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस आर प्रो शॉर्ट इंट्रो, वी विल बी राइट बैक। तो देखो यार बेसिकली जितने भी सारे गेम्स हैं ये मैंने पर्सनली खुद खेल चुके हैं, और खेलने के बाद ही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा जो है काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इन सब गेम्स के साथ, ठीक है। तो हम फर्स्ट गेम की तरफ चलेंगे जो कि पीछे ही चल रहा है, गॉड ऑफ वॉर। अब जो पीछे जो है ना वो तुम्हारा रैग्नारॉक चल रहा है, बट आई एम सेइंग फॉर द पीसी यूजर्स की गॉड ऑफ वॉर 2018 इज वन ऑफ द बेस्ट गेम। अगर आपके पास PS5 नहीं है, अगर आप गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक नहीं खेल सकते, तो आप गॉड ऑफ वॉर 18 की तरफ जा सकते हो, जिसमें जो है गॉड ऑफ वॉर 3 के बाद आपकी क्रेटोस की स्टोरी कंटिन्यू होती है, उसके बाद उसका एक बेटा आ जाता है एट्रियस, उसके बाद वो जो है आपके जर्नी टू द माउंटेन्स स्टार्ट करते हैं, जो कि मतलब बेसिकली उसकी कहानी है। तो यार यहाँ पे मैं आपको वीडियो में सारे गेम्स की कहानी बताते नहीं बैठूंगा, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यार भाई कैसा है। दोनों ही बाप बेटे की केमिस्ट्री एट्रियस और क्रेटोस की इस गेम में काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, और कैसे जो है मतलब तुम्हारा एट्रियस जो कि अपने बिना मॉम के अपना बचपन जो है वो गुजार रहा है, और कैसे जो है एक फादर अपने बेटे को हैंडल करता है, वो सब चीजें केमिस्ट्री आपको इस गॉड ऑफ वॉर गेम में देखने को मिल जाती है। एक्शन पैक गेम है भाई, और मुझे मतलब गॉड ऑफ वॉर की ज्यादा तारीफ बेसिकली क्योंकि भाई लास्ट ऑफ अस मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है, ठीक है। उस गेम को खेलने के बाद भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई स्टोरी हो ना तो मतलब लास्ट ऑफ अस जैसी स्टोरी होनी चाहिए। भाई तुम्हारा स्टार्टिंग होता है, तुम्हारे एक सिटी में जो है पूरा वायरस फैल जाता है, ज़ॉम्बी वायरस, और एक बच्ची जो होती है वो लड़की तुम्हारी उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो उसका मतलब अब तुम समझ सकते हो उसे एंटीडोट बनाना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली अब कैसे क्या प्रोसेस है, क्या है क्या नहीं है, वो तुम सारा जो है गेम खेल के एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत मजा आएगा। सारे गेम्स स्टीम पे अवेलेबल है, बाकी तुम्हें पता है कहाँ से डाउनलोड करना है, बात नहीं करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। देन उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट गेम जो कि आपका आता है डेथ स्ट्रैंडिंग। अब यार डेथ स्ट्रैंडिंग के मिक्स रिव्यूज हैं, काफी लोगों को पसंद आया है, काफी लोग इसको स्विगी जोमेटो या फिर डिलीवरी सिम्युलेटर बोलते हैं, बट भाई फॉर मी या फिर जो ऐसे लोग जिन्हें भाई मतलब स्टोरी लविंग गेम बहुत पसंद है, जो कि डीप स्टोरी में जाते हैं गेम्स की, उनके लिए भाई वन ऑफ द बेस्ट गेम है डेथ स्ट्रैंडिंग। भाई मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया था डेथ स्ट्रैंडिंग। लंबा गेम है, काइंड ऑफ तुम्हारा 40-45 hours आई थिंक उसका कंप्लीशन टाइम है। जो तुम अपना टाइम दोगे ना इस गेम को वो पूरा वर्थ इट है, और तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बेसिकली अनएक्सपेक्टेड चीजें तुम्हें इस गेम में देखने को मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट तुम्हें इस गेम में देखने को मिलेगा, तो भाई मतलब कुछ डिफरेंट अगर कुछ हटके खेलना है तो यार डेथ स्टैंडिंग की तरफ जा सकते हो। देन मूविंग टू द नेक्स्ट गेम जो कि आपके आते हैं स्पाइडरमैन, ठीक है। अब बेसिकली स्पाइडरमैन पहले जो थे पुराने पीसी पे स्पाइडरमैन पुराने वाले आते थे, फ्रेंड और फोर स्पाइडर द अमेजिंग स्पाइडरमैन ब्ला ब्ला ब्ला, बट नाउ अब जो है आपके PS4 या PS5 पे जो स्पाइडरमैन आने वाले, बेसिकली PS5 पे तो स्पाइडरमैन 2 आ रहा है जो कि तुम्हारे पीसी पे आया नहीं है, बट स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस एंड स्पाइडरमैन फर्स्ट जो है वो पीसी पे आ गया है। और यार अगर आप मार्वल के फैन है, अगर आप मार्वल छोड़ दो, स्पाइडरमैन का अपना एक अलग यूनिवर्स है, ठीक है, अगर आप स्पाइडरमैन के फैन है ना तो वो दोनों गेम ट्राई कर सकते हो। कॉम्बैट काफी अच्छा है, स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है, और काफी हद तक कनेक्ट कर पाओगे तुम दोनों ही गेम से।
उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा, अब यार बेसिकली ना आप टॉप 5 गेम्स, तो यार इतने सारे गेम्स मुझे पसंद आए ना, आप तुम कुछ भी खेल सकते हो ठीक है, बट मैं लास्ट लिस्ट पे रखूंगा आपका RDR 2। अब भाई रेड डेड रिडेम्पशन 2, भाई रॉकस्टार क्या ही कहना भाई, क्या मस्त गेम बनाया आपने, और RDR 2 जैसा स्टोरी मोड गेम, इतना रियलिस्टिक, इतने ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, और इतने मतलब कैरेक्टर्स में डेप्थ, इतना एनवायरमेंट में छोटी छोटी जो डेप्थ तुम्हारे RDR 2 में देखने को मिलती है, उससे आप जो है रियल वर्ल्ड को बहुत कनेक्ट कर पाते हो ठीक है। मैसिव ओपन वर्ल्ड गेम है, काउबॉय वाला फील है, ट्रेन लूटनी है, ओपन वर्ल्ड है, कैंप्स में काम करो, ये करो, स्टोरी के साथ जाओ, गो विद द फ्लो, आराम से हेडफोन लगाओ, पास में रखो पॉपकॉर्न या फिर कुछ भी खाओ यार, ऑब्वियसली गेम खेलते वक्त मुझे भी खाना पसंद है ठीक है, तो मजे करो, खेलो। और यार गाइस बेसिकली ये टॉप 5 गेम्स जो हैं इन 2023 आपको खेलने चाहिए। हम में से काफ़ी सारे गेम्स जो हैं वो तुम कहोगे कि भाई काफ़ी पहले लॉन्च हो गए, बट हाँ लॉन्च हो चुके हैं, बट यार मैं बोल रहा हूँ कि कौन से गेम खेलने चाहिए 2023 में। बाकी तो भाई अपकमिंग गेम्स की बात करें तो वुकॉन्ग आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा काफ़ी सारे गेम्स आ रहे हैं, बड़े बड़े GTA 6 आने वाला है, तो उन सबके ऊपर भी हम कभी और बात करेंगे। वैसे तो कैसे, अगर आपने इन सारे गेम्स को कंप्लीट कर लिया है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और फर्दर कुछ क्वेश्चन ऑफ PC रिलेटेड कंटेंट्स इन गेमिंग से तो यार तुम जरूर पूछ सकते हो। वैसे सो आपको आज का वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करें, नहीं हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें। अगले ऐसे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।